नमस्कार दर्शकबिन, आज पुनः मैं आपके सामने एक छोटा टॉपिक और लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए आज हम बात करते हैं 27 जुलाई के दिन जो खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, लगने वाला है, इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। आप बड़े ध्यान से और दिलचस्प तरीके से सुनिए, विशेषकर विद्यार्थी, नौकरी व्यवसाय प्राप्त करना चाहने वाले और जिनके पेट पर गर्व है, वो विशेष स्थिति को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने योग्य बात, हर आदमी को इस चीज को सुनना चाहिए और इस चीज को फॉलो करना चाहिए। आप ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम 27 जुलाई 2018 को खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है और उसी दिन ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और उस पर्व में रात्रि समय 11:54 से लेकर रात्रि 3:49 तक खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा और ये चंद्र ग्रहण 21वीं सदी में 104 साल बाद आया है और 104 साल बाद ही इतना लंबा जो खग्रास चंद्र ग्रहण है ये लगेगा। इतना लंबा चंद्र ग्रहण जो लगा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बीच में आपको भोजन करना चाहिए अथवा रात के समय होने से आपको लेटना चाहिए अथवा नहीं चाहिए, गर्भवती महिला क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। इसको प्रेम के साथ सुनिए। सर्वप्रथम एक चीज आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये जो चंद्र ग्रहण की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक सटीक है पंचांग के आधार पर कैलकुलेशन करके निकाला गया है, ना कि आप ये ध्यान रखना कि कई आदमी ऐसे हैं यूट्यूब चैनल पर जो दूसरे के सुनकर इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रहे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिनट बाय मिनट, सेकेंड बाय सेकेंड जो है वो एक तथ्य है, आप इसको ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम जो विद्यार्थी है उनको क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को सर्वप्रथम अपने पुस्तक को लेकर, जिस पुस्तक को आपको ज्यादा समस्या है उस पुस्तक को लेकर पारण करें और पारण वो चीज करें जो आपको आसान लगता है उस चीज को पारण करें, करने की कोशिश करें, या फिर भगवान सूर्य नारायण का मंत्र आप घर में किसी भी स्थान पर स्थान बनाकर भगवान सूर्य नारायण का मंत्र जाप करें। वो कौन सा मंत्र जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना, आंख बंद करके इस मंत्र को आपको जाप करना है। अगर आप ग्रहण के टाइम पर अगर कोई भी मंत्र करेंगे तो आपको अनंत कोटि फल प्राप्त होगा, जो आप सूर्य की प्रतिदिन पूजा करेंगे 2 साल तक और ग्रहण के टाइम तक अगर आप 3 घंटा बैठकर सूर्य की उपासना करेंगे तो वो उससे अनंत गुना अधिक फलदायक माना जाएगा, अधिक फलदायक रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों को ये चीज जरूर करना चाहिए। आरंभ के टाइम पे स्नान करें, मंत्र करें और मोक्ष के टाइम पे भी आपको स्नान करने के बाद पूजा समापन करना है, ध्यान रहे। और गर्भवती महिला को क्या करना, जिसके पेट पर गर्भ है अथवा बच्चा है उसको क्या करना है, विशेषकर उनके लिए क्या समस्या उत्पन्न होता है, गर्भ पलने वाले बच्चा मंद बुद्धि का भी हो सकता है, किसी प्रकार से बीमारियों से ग्रसित भी हो सकता है, उन्हें विशेषकर इस नियम का विशेष पालन करना है। अधिक कष्ट होने पर आप बैठ सकते हैं, नहीं तो गर्भवती महिलाओं को बैठना नहीं है, उसमें विचरण करना है, चलते फिरते रहना है, खड़े रहना है। अगर बैठना भी आप चेयर में बैठे, पलंग वगैरह तख्त वगैरह पे नहीं बैठना, लेटना नहीं है आपको। और मन में भगवान गणेश जी का मंत्र स्मरण करना है, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का उच्चारण करिए, ओम विघ्नेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका गर्भ का रक्षा होगा, गर्भ में पला हुआ बालक जो होगा आपका तेजस्वी होगा। इसलिए ध्यान रहे कि इस टाइम पर आपको विशेषकर लेटना नहीं है, किसी चीज का सेवन नहीं करना है। हाँ, अगर ज्यादा समस्या है तो बीमारी, वृद्धावस्था और गर्भवती अवस्था के नजदीक वाले को जल ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करता है शास्त्र, और उन्हें जल इस प्रकार ग्रहण करना है, उसमें तुलसी का पत्ता आप ग्रहण आरंभ होने से पहले ही उस जल में रखें, तुलसी के पत्ता के अभाव में कुसा रखें, कुसा के अभाव में
आप दुबड़ा रखें, अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो शीघ्र मनोरथ पूर्ण होगा अथवा जो समस्या आपको आने की शंका है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेषकर ये चीज़ का पालन करना है। और हम बात करते हैं जो नौकरी व्यवसाय प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी व्यवसाय प्राप्त करने वाले के लिए भगवान सूर्यनारायण का ही उपासना करें, भगवान सूर्यनारायण का उपासना करें, या फिर निरंतर तरीके से संकट मोचन बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, जिससे नौकरी व्यवसाय में बार बार अंतिम अवस्था में व्यवधान आ रहा, उनको ये तीन चीज का पारण करना है। उनको किस टाइम करना है, रात्रि 11:54 से लेकर रात्रि 3:49 तक इस मंत्र का जाप करना है। अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो नौकरी व्यवसाय में आई जो समस्या है ये सबसे आप छुट जाएंगे। विशेषकर ये चीज करना है बालक के लिए, वृद्धा के लिए सोना खाना किसी प्रकार का परहेज नहीं है, शास्त्र अनुसार इनको छूट है, वो कर सकते हैं, हो सकता है निवाह नहीं हो सकता, वो ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे किन राशियों को क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है, किन राशियों को धनाढ्य बना सकता है और किन राशियों को शारीरिक व्यवधानी अथवा मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। सर्वप्रथम राशियों में 12 प्रकार की राशियां हैं और जो सूर्य ग्रहण आ रहा है ये मकर राशि पर विद्यमान होकर जो चंद्र ग्रहण प्रवेश करा हुआ है उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि वाले बालक के लिए सुखदायक है, मेष राशि वालक बालक के लिए अगर इसके टाइम में पूजा पाठ करने पर अनंत कोटि फल मिलेगा। दूसरा, अगर पूजा भी नहीं करेगा उसे तो मेष राशि वाले के लिए अनंत कोटि फल मिलेगा, क्योंकि उसके लिए सुखदायी है। चंद्र ग्रहण लगते समय आप चंद्र को देखना नहीं है, चंद्र की तरफ ऊपर करके देखना नहीं है, आप यह ध्यान रहे जिधर चंद्र जा रहा है उधर ही मुंह करके आपको पूजा पाठ करना है। जिसका मेष राशि वाले वो पानी पर एक थाली पर पानी ले, उस पानी के माध्यम से चंद्र का दर्शन कर सकते हैं, वो केवल मेष राशि वाले बालक करेंगे। मेष राशि वाले के लिए सुख का कारण बनेगा, उन्हें धनाढ्य बनाएगा। लेकिन उस टाइम अगर आप सोएंगे भोजन करेंगे तो आपको ये चीज यश आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ध्यान रहे मेष राशि वाले इस चीज का पालन करें, पूजा पाठ करें और जल द्वारा आप चंद्र ग्रहण का दर्शन भी कर सकते हैं, ध्यान रहे। उसके बाद हम आज बात करते हैं वृष राशि वाले, वृष राशि वाले बालक के लिए मान हानि जैसा नकारात्मक प्रवृत्ति आ सकता है, सम्मान में क्षति होना, नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति नहीं हो पाना, इस प्रकार के समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए वृष राशि वाले बालक चंद्र ग्रहण के टाइम में छत के नीचे बैठकर पूजा पाठ करें और चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है आपको। अब हम बात करते हैं वृष राशि के बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि वाला, मिथुन राशि वाले बालक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, उनको बिल्कुल चंद्र ग्रहण के टाइम में छत से अथवा कमरे से बाहर निकलना ही नहीं है उनको। जिस तरह से गर्भवती महिला घर के अंदर रहेंगे बाहर नहीं निकले, इसी प्रकार से मिथुन राशि वाले बालक घर के अंदर ही रहेंगे बाहर नहीं निकलेंगे। घर में अंदर बैठकर गणेश जी का विघ्नेश्वराय इस मंत्र का जाप करें, ओम विघ्नेश्वराय नमः, इस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो मिथुन राशि वाले के लिए कष्टकारी योग समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले के लिए, कर्क राशि वाले बालक के लिए स्वयं के लिए इतना कष्टकारी नहीं है, अगर पुरुष है, अगर पुरुष है तो उसका पत्नी के लिए कष्टकारी हो सकता है और स्त्री है तो उसके पति के लिए कष्टकारी हो सकता है। इसलिए सफेद चीज सामने रखकर आप चंद्रमा का ध्यान करें, कमरे के अंदर रहकर सफेद चीज सामने रखें, सफेद चीज सामने रखकर पूजा पाठ करें, चंद्रमा का नमः चंद्रमशे नमः इस मंत्र का जाप करें, सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, अगर ये भी नहीं हो सकता ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करके सामने चावल चिन्नी अथवा सफेद प्रकार का कोई भी चीज लेकर उसे करने के बाद जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा 3:49 उसके बाद किसी ब्राह्मण अथवा किसी मंदिर वगैरह में उसको दान कर देना चाहिए। उसके बाद अगर ये करने पर चंद्रमा जो स्त्री पीड़ा है अथवा जो पुरुष पीड़ा है इससे आप मुक्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले के लिए, सिंह राशि वाले के लिए आप पूजा करें, आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है, दूसरा मंत्र नहीं है, आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आदित्याय मंत्र जाप करते समय एक मनोरथ ये करना कि सौम्य सौख्यम, आपका सौम्य और सौख्यम योग लेकर आए हैं आपका चंद्र ग्रहण। सौम्य और सौख्यम का मतलब बताया कि जो भी कार्य करेंगे
अच्छा रिजल्ट देगा और आपको उसमें सुख मिलेगा। इसलिए ऐसे बालक के लिए आदित्य आर्यम इस मंत्र का जाप करें। सूर्य आर्यम आदित्य आर्यम इस मंत्र का जाप करने पर सिंह राशि वाले बालक के लिए सुखदायक कारण बनेगा। जिसका सिंह राशि वाले वो नौकरी के प्रयत्न कर रहे हैं, आदित्य आर्यम इस मंत्र का जाप करो, आपको नौकरी शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सौख्य और सौम्य योग होने से आपको जो भी कार्य करें इसके बाद वो तुरंत आपको पकड़ में रहेगा, इसलिए ये चीज़ जरूर करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले के लिए। कन्या राशि वाले बालक के लिए थोड़ी चिंता का कारण ये है कि चिंता उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कन्या राशि वाले बालक को घर के अंदर विद्यमान रहकर विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर विघ्नेश्वराय नहीं कर सकते, संकट हरणाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। अगर ये मंत्र जाप करेंगे तो आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे, नहीं तो मानसिक तनाव और चिंता नौकरी व्यवसाय में व्यवधान आ सकता है। इसलिए आपको छत से बाहर नहीं निकलना, घर कमरे से बाहर नहीं निकलना है, छत पे नहीं जाना है, और किसी भी सिचुएशन पे आपको चंद्रमा का दर्शन इस टाइम पे नहीं करना, नहीं आपको सोना है, उस टाइम बैठ के आपको पढ़ना अथवा पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखना, मंदिर बैठ के पूजा पाठ नहीं करना है, मंदिर में दिया बत्ती नहीं करना है, मंदिर में जाके किसी मूर्ति वगैरह इत्यादि को नहीं हिलाना है। इसलिए आपको एक स्थान पर बैठकर मन मन इस मंत्र को जाप करना है। माला लेकर आपको जाप नहीं करेंगे, केवल मन में मानसिक जाप आपको करना है, ये ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले के लिए। व्यथा उत्पन्न हो सकता है, बीमारी उत्पन्न हो सकता है, पेट के निचले हिस्सा में हिस्से पर आपको शारीरिक कष्ट आ सकता है, गुप्त अंगों में शारीरिक कष्ट आ सकता है, ये ध्यान रहे। उस टाइम पे आपको सफ़ेद चीज़ रखकर आप दान करना है। सफ़ेद चीज़ में केवल एक चीज़ ना हो, चंद्रमा अथवा शुक्रों का स्मरण करना है। शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। सफ़ेद चीज़ में विशेषकर अगर ट्रांसपेरेंट चीज़ अगर आप लेकर दान कर सकते हैं तो वो करें, वो विशेषकर होता है चिन्नी अथवा मिश्री। आइए मित्र अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले के लिए। श्री वृश्चिक राशि वाले के लिए तो ये एक करोड़पति बनाने वाला संयोग माना जाता है। श्री का प्रादुर्भाव रहेगा, जिसका वृश्चिक राशि से हनुमान जी के हनुमान चालीसा निरंतर करें, संकट मोचनाय नमः इस मंत्र का जाप करें और उनके घर में स्त्री की कभी कमी नहीं रहेगी। और श्री सूक्तम नामक अगर पाठ कर सकते हैं इसके बीच में बैठकर तो आपके लिए अनंत कोटि फलदायक रहेगा और जीवन इतना सुखमय होगा, आप इसको अजमा कर देखें। अगर आप अभी फिलहाल अगर परेशान स्थिति पे हैं तो श्री सूक्तम का पाठ करें, आप एक अनंत कोटि आदमी बनेंगे और धन संपत्ति से आप समृद्धदायक बनेंगे। आप श्री सूक्तम पाठ जरूर करें वृश्चिक राशि वाले के लिए। ये सूर्य ग्रहण सुख लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे धनुराशि वाले के लिए। धनुराशि वाले के लिए हर कार्य के लिए क्षति रहेगा। धनुराशि वाले के लिए चने के दाल, हल्दी, हल्दी के गांठ अथवा पीला कपड़ा लेकर ये चीज़ दान करें। सामने रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करा, श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र जाप करने के बाद मोक्ष होने के बाद 349 के बाद वो चीज़ ले जाकर आप दान करेंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले के लिए। मकर राशि वाले बालक के लिए हम बात करेंगे, चंद्र बृहस्पति शुक्र आमने सामने होने से मकर राशि वाले के लिए भी अच्छा योग लेकर आएगा। कुंभ राशि वाले के लिए हानि है और मिथुन राशि वाले के लिए लाभ रहेगा। धनदायी कार्य के लिए अच्छा सदुपयोग देगा, इसलिए ध्यान रहे। कुंभ राशि वाले के लिए क्षति है अथवा हानि है, हर कार्य में हानि प्राप्त होगा तो मिथुन राशि वाले के लिए लाभ होगा, लाभदायक अवस्था उत्पन्न होगा, इसलिए ध्यान रहे। मीन राशि वाले बालक के हाथ से अगर आप 2 रुपया 4 रुपया ग्रहण के टाइम पे ले सकते हैं अथवा उसके द्वारा कोई भी कार्य करा सकते हैं, और भी नहीं होता डायरी पर लाकर उसके हाथ से श्री गणेशाय नमः भी अगर आप लिखाएंगे तो आप उससे होने वाले हर कार्य से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगा। हस्त मित्र आपके इतना ही, ये ध्यान रहे जो भी भोजन आपका बना हुआ है, जल रखा हुआ है, उस पर आपको तुलसी पत्ता, दुबड़ा अथवा कुसा ये चीज़ रखना है। ग्रहण के बीच में रखा हुआ जल, दूध, चावल अथवा मिश्री, किसी भी प्रकार का चीज़ का खाद्य पदार्थ चीज़ जो बना हुआ होगा उसका सेवन आपको नहीं करना है, ये ध्यान रहे। इतना ही आपके लिए करना है। हस्त मित्र मैं एक और टॉपिक लेकर आऊँगा 27 तारीख से पूर्व, आप ध्यान रहे, ये चीज़ का आप पालन करें। नमस्कार।